असल एंड वेलकम टू माई चैनल वन क्लिक ऑफ फ्लेवर्स कुकिंग आज की रेसिपी है मून लाइट चिकन ड्रम स्टिक्स ड्रम स्टिक्स बहुत ही मज़े की बनी थी क्रिस्पी बनी थी और आप सब ने बनानी है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइ के बटन को क्लिक करें नई वीडियोस के लिए सबसे पहले मैरिनेशन के लिए हम इसको चिकन जो ड्रम स्टिक्स हैं इनको मैंने कट लगा ली है आपने भी कट इसको लाजमी लगाना है ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से चला जाए मैरिनेशन के लिए मैं जो डाल रही हूँ सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च वन टेबल स्पून हाफ़ टी स्पून जो है गैनो है वन टी स्पून काली मिर्च और साथ ये भुना हुआ ज़ीरा और धनिया है वन टी स्पून सॉल्ट वन टेबल स्पून चिली सॉस थ्री टेबल स्पून सोया सॉस भी थ्री टेबल स्पून और सिरका भी थ्री टेबल स्पून बस जी ये हमारी ये मैरिनेशन के लिए हमने बस ये चीज़ें लगानी है इसके अंदर बस इसको मिक्स कर लेना है और अपनी ड्रम स्टिक्स इसके अंदर मिक्स कर देनी है अच्छे से दो से तीन घंटे आपने इसको रखना है मैरिनेट होने के लिए तभी आपका चिकन का फ्लेवर आएगा मैंने इसको दो से बल्कि मैंने इसको तीन से चार घंटे रखा था और मैंने इसको ऊपर कवर करके रख दिया नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको स्टीम किया स्टीम करना लाजमी है पंद्रह से बीस मिनट आपने इसको स्टीम करना है थर्ड स्टेप में मैंने एक ये बैटर बनाना है एक अंडा लिया उस, उसको अच्छे से बीट कर लेना है चिकन पाउडर वन टेबल स्पून काली मिर्च और ये बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर मैंने डाला है वन टी काली मिर्च है नमक है चिकन पाउडर है बेकिंग पाउडर है, है और इसके अलावा औरगैनो भी आप डाल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड की है हाफ कप जी मैंने इसके अंदर मैदा डाला है और हाफ़ ही मैंने इसके अंदर कॉर्न डाला था बाउल में मैंने कर लिया था बाउल में अच्छे से मिक्स करने की मिक्स हो जाएगा प्लेट में नहीं हो रहा था चिली सॉस टू टेबल स्पून हल्का सा पानी डालना है और जो हमने थिक बैटर अपना बना लेना है ये जी हमारी क्रम्स हैं पहले मैंने ड्रमस्टिक को वो मिक्सचर लगाना है फिर उसके बाद मैंने ये, ड्रम ये अपना क्रम्स लगाने हैं क्रम्स में पोटैटो चिप्स है क्रश्ड कॉर्नफ्लैक्स भी आप डाल सकते हैं और ब्रेड क्रम्स हैं ब्रेड क्रम्स जो आपने इसको बाहर रखना है वो सोगी नहीं होने चाहिए वरना आपकी क्रिस्पी नहीं बनेंगी पहले वो मिक्सचर लगाना है फिर अपना ये क्रम्स लगाने हैं क्रम्स में मैंने वेवी लेस जो होता है वो डाला हुआ है आप कोई भी पोटैटो चिप्स डाल सकते हैं बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनी थी ये देखिए आप टेस्ट वाइज अमेजिंग है ये रेसिपी मेरी फाइनल लुक है डीप फ्राई करना है आपने हल्की आंच पे वीडियोस देखें सब्सक्राइब करें चैनल थैंक यू सो मच